अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आ जाएं जी नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने टू डिजिट स्क्वायर और टू डिजिट अंडर रूट मालूम किया था। आज की इस वीडियो में हम थ्री डिजिट अंडर रूट मालूम करेंगे। लेकिन इन बच्चों को अंडर रूट मालूम करने में बहुत मसले होते हैं और थ्री डिजिट अंडर रूट मालूम करने में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आज की इस 7 से 8 मिनट की वीडियो में आप जो हैं वो बिल्कुल ईजीली थ्री डिजिट अंडर रूट मालूम कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने टू डिजिट अंडर रूट और स्क्वायर वाली हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख लें, उसका लिंक मौजूद है। वो वीडियो देखने के बाद फिर ये वीडियो भी देखिएगा, ये ज्यादा अच्छी समझ आएगी। और उसके बाद एक बात ये कि थ्री डिजिट अंडर रूट याद रखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है कि आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जब आपको 30 तक के स्क्वायर याद होंगे तो आप अंडर रूट 900 तक इजीली मालूम कर सकते हैं। आज हम 220 तक के स्क्वायर करेंगे और 400 अंडर रूट तक करेंगे। आपकी होमवर्किंग ये है कि आपने 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं और उसके बाद फिर 900 तक के अंडर रूट आपने घर पर प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको स्क्वायर रूट याद हो जाए तो हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या किया था, 1 से 9 तक के स्क्वायर याद किए थे। यहाँ हमने क्या करना है, 10 to 20। 10 का स्क्वायर क्या होता है जी, 10 का स्क्वायर होता है 100। 11 का स्क्वायर क्या होता है जी, 11 का स्क्वायर होता है 1 to 1। 12 का स्क्वायर क्या होता है जी, 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है जी, 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 का स्क्वायर क्या होता है जी, 14 का स्क्वायर होता है 196। 15 का स्क्वायर क्या होता है जी, 15 का स्क्वायर होता है 225। 16 का स्क्वायर क्या होता है जी, 16 का स्क्वायर होता है 256। 17 का स्क्वायर क्या होता है जी, 17 का स्क्वायर होता है 289। 18 का स्क्वायर क्या होता है जी, 18 का स्क्वायर होता है 324। 19 का स्क्वायर क्या होता है जी, 361। और 20 का स्क्वायर क्या होता है जी, 400। तो इस तरह से आपने कम से कम फिलहाल 20 याद रखने हैं, लेकिन 30 तक याद रखने हैं। अंडर रूट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं 108 का हमने क्या करना है जी, अंडर रूट मालूम करना है। अब 108 किन दो रूट्स के दरमियान आता है जिनका रूट परफेक्ट एग्जिस्ट करता है? तो अगर हम देखते हैं 108 10 के दरमियान आता है 100 और 11 के दरमियान आता है 1 to 1। मतलब 1 to 1 का अंडर रूट एग्जिस्ट करता है और 10 का करता है। तो अब इसमें से 108 करीब किससे, 108 जी 100 से ज्यादा करीब है, तो इसको तोड़ देते हैं। हम तोड़ेंगे किसके द्वारा, के 100 + 8, जिस तरह हमने पहले किया था 100 + 8 के अंदर तोड़ दिया हमने। अब यहां मौजूद 100 क्या है जी, 100 है x और 8 क्या है जी, 8 है y। ठीक है, फार्मूला क्या था हमारे पास, फार्मूला ये था कि अंडर रूट x प्लस y विल बी इक्वल टू x प्लस माइनस y विल बी इक्वल टू अंडर रूट x प्लस माइनस y अपॉन 2 अंडर रूट x। ये क्या था जी, हमारा फार्मूला था। अब इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। आएगा क्या हमारे पास, x प्लस माइनस y है तो 100 प्लस 8, चूंकि प्लस है तो हमने प्लस लगाया, विल बी इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट x, मतलब अंडर रूट 100 प्लस उसके बाद y है तो y कितना है हमारे पास, 8 अपॉन 2 अंडर रूट x, यानी अंडर रूट 100। अब अंडर रूट 100 कितना होता है जी, 10 होता है प्लस 2 1 2 2 4 8, ये कट जाएगा। तो 4 अपॉन अंडर रूट 100 कितना होता है जी, 10 होता है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, 2 2 4 2 5 10। तो 2/5 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। अब 5 के टेबल में 2 नहीं आता, लिहाजा मैं क्या करूंगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दूंगा। और 5/4 का कितना होता है जी, 20 होता है। 5/4 का कितना हो गया, 20 हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.4। तो 10 + 0.4, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 10.4। मतलब कि इतना ही इजी है ये स्क्वायर रूट लेना। विद इन अ 5 सेकेंड आप जिस तरह आपने 2 डिजिट का लिया था, इसी तरह आप 3 डिजिट का भी ले सकते हैं, जो कि 5 सेकेंड के अंदर आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो था प्लस वाला, अब देख लेते हैं माइनस वाला किस तरह होगा। उसके बाद सेकेंड अंडर रूट हम देखते हैं, जिस तरह हम माइनस में अगर लेते हैं तो हम चॉइस कर लेते हैं 163 को। अब हमने अंडर रूट लेना है 163 का। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि किन दो इनके दरमियान, नंबर के दरमियान इसका रूट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल कौन से दो ऐसे नंबर हैं इसके दरमियान जिनका रूट एग्जिस्ट करता है? तो अगर हम देखते हैं 13 का रूट एग्जिस्ट करता है 169 पर, तो अंडर रूट 169 का रूट एग्जिस्ट करता है, 169 नंबर का रूट एग्जिस्ट करता है। और इससे पीछे अगर हम आते हैं तो इससे पीछे क्या है, 12 का है 144, यानी 12 का भी अंडर रूट एग्जिस्ट करता है 144।
फोर। अब हमने जिस तरह पहले भी बताया था कि करीब वाले नंबर को लेना है ताकि एरर के चांसेस कम हो जाएं। अगर हम ज्यादा दूर वाला नंबर लेंगे तो एरर के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब 163 से करीब कौन सा है, 144 या 169? यकीनन 169 ज्यादा करीब है, तो हम क्या लेंगे, 169 लेते हैं। अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो किस तरह टूटेगा, 169 माइनस 6, ठीक है, 169 माइनस 6 करूंगा तो क्या बन जाएगा, 163। इसे रफ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने अंडर रूट किसका मालूम करना, 163 का। 196 माइनस 6 किया तो क्या आ गया हमारे पास, 163 आया। अब ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास x और ये क्या है जी, y है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इक्वल हो जाएगा किसके, अंडर रूट x, मतलब अंडर रूट x क्या है, 169। चूंकि माइनस है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, उसके बाद आ जाता है y, y क्या है, 6 है, उसके बाद अंडर रूट 2 आएगा नीचे और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x कितना है हमारे पास, 169 आ गया। अंडर रूट 169 किसके इक्वल होता है, 13 के इक्वल होता है, माइनस आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 3 6 आ गया, तो 3/13 आ गया। 3/13 को हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं कि 13 बाहर आ जाएगा 3 अंदर। अब 13 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे। 13 2 किसके इक्वल होता है, 13 2 होता है 26, बचे कितने, 4। उसके बाद 0 लगाएंगे तो 13 3 कितना होता है जी, 13 3 होता है 39, ठीक है। तो एक जो है वो बहुत है, पॉइंट के बाद अगर आप दो डिजिट ले रहे हैं तो काफी है। तो 13 माइनस कितना हो जाएगा, 0.23। तो 13 में से अगर हम माइनस कर दें 0.23 को तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12.77, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर किसका, अंडर रूट 163 का, ठीक है। तो विद इन 5 सेकंड आ गया। उसके बाद एक बड़ा नंबर चॉइस कर लेते हैं, बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। उसके बाद एक बड़ा नंबर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं जी 373, ठीक है। बड़ा नंबर एक रैंडम सा नंबर है। अब 373 का हमने अंडर रूट मालूम करना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये 373 किन दो नंबर्स के दरमियान इसका रूट एग्जिस्ट करता है। तो एक तो है जी 400, एक तो है जी 361, मतलब 1920 के दरमियान करता है। अब करीब किससे, 373 किससे करीब है, 361 से या 400 से? यकीनन 361 से ज्यादा करीब है, तो इसी से सॉल्व करते हैं। तो किस तरह हो जाएगा जी, 361 में 12 प्लस कर दे तो कितना हो जाता है जी, 373। सॉल्व करते हैं, ये x है, ये क्या है, y है, इक्वल हो जाएगा अंडर रूट x कितना आ जाएगा, 361 प्लस 12/2 अंडर रूट 361। सॉल्व करते हैं, 361 का अंडर रूट कितना होता है, 19 होता है, तो 19 यहाँ लिखेंगे, 19 प्लस कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 6 12, तो 6/ कितना आ जाएगा नीचे, 19। सॉल्व कर लेते हैं किस तरह होगा, 6 19, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, अगर हम करते हैं 19 3 तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 57, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 0.7, ठीक है, 3 बचा, 0 फिर लगाएंगे तो 19 1 यानी 0.31 आ गया हमारे पास। तो 19 प्लस 0.31 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.31। तो मतलब इतना ही इजी है ये, विद इन 2 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ अपना टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद आपने 400 से ज्यादा वाले नंबर की 13 तक स्क्वायर याद कर उनको सॉल्व करना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, नीचे दिए हुए नंबर प्लीज सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आगे आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।